तिरुपति मंदिर की तर्ज पे जम्मू में जल्द बनने जा रहा है तिरुपति जी का मंदिर। भगवान वेंकटेश के आप यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 8 जून से जम्मू कश्मीर और बाकी देश के वासी जो भी जम्मू कश्मीर आते हैं वो भगवान वेंकटेश के इस सुंदर जगह पर आकर दर्शन कर सकते हैं। आपको मैं बताऊँ कि जम्मू कश्मीर सरकार ने तिरुमला तिरुपति तीर्थ ट्रस्ट को जो है देवस्थानम तीर्थ ट्रस्ट को 62 एकड़ ज़मीन जम्मू सिडड़ा मजीन में दी थी और लगभग 33 करोड़ की लागत से यहां पर ये भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। साफ तौर पे मंशा ये है मंदिर बनाने की कि जो भी दक्षिण भारत से तीर्थ यात्रु जम्मू कश्मीर आते हैं वो अपने कल्चर अपने रीजन से कनेक्ट रह सके, उसको लेकर ये तिरुपति देवस्थानम यहाँ पर जो मंदिर बना रहा है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर वैदिक जो स्कूल है वो यहाँ पर खोला जाएगा, मेडिकल सेंटर्स खोले जाएंगे और लगभग 5,000 परिवार यहाँ पर दक्षिण भारत से आ रहे हैं। तो यकीनन जम्मू के अंदर रहते हुए आपको दक्षिण भारत जैसी अनुभूति आने वाली समय में आएगी और भगवान तिरुपति के भगवान वेंकटेश के दर्शन करने की अगर आप इच्छुक हैं और आप समर्थ नहीं हैं दक्षिण भारत जाने के तो आपको जम्मू में रहते हुए भगवान वेंकटेश के दर्शन हो सकते हैं। सिर्फ इंतज़ार आपको 8 जून तक करना है। 8 जून के बाद ये मंदिर का जो पहला फेज़ है ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इसी के संदर्भ में आज तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की जो टीम है यहाँ पर खासतौर पर चेयरमैन और उनके साथ तमाम बाकी लोग वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने मंदिर के कामकाज का जो है वो जायज़ा लिया और साफ तौर पे जम्मू कश्मीर सरकार से ये भी कहा कि ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर है और आसपास जंगल है तो हम ये चाहेंगे कि 12 महीने 2400 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए ताकि यहाँ पर जो परिवार रहे या मंदिर रहे उसको किसी भी तरह का खतरा ना हो, क्योंकि इसके पीछे जंगल लगते हैं और ये काफ़ी घने फॉरेस्ट के बीच में ये जगह है। और आने वाले समय में जब ये मंदिर शुरू हो जाएगा तो यकीनन से जम्मू टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा एक हब बनने वाला है, स्पिरिचुअल हब बनने वाला है, क्योंकि देश भर से जो भी यात्री बाई रोड वैष्णो देवी आएंगे तो इस मंदिर के आगे से गुजरेंगे तो उनके मन में भी एक बार ज़रूर आएगा कि वो भगवान वेंकटेश के दर्शन करके आएँ, क्योंकि ऐसे उनको दक्षिण भारत जाना पड़ता है लेकिन उनको फिलहाल जम्मू में रहते हुए यानी कि उत्तर भारत में रहते हुए भगवान वेंकटेश के दर्शन हो जाएंगे। सिर्फ इंतज़ार 8 जून तक का है।